आइए अब हम आपको जानकारी दें कि तर्पण के वक्त हमें किस मुद्रा में रहनी चाहिए। आवाहन, दोनों हाथों की अनामिका, छोटी तथा बड़ी उंगली के बीच की उंगली में कुश की पवित्री पहनकर बाएं कंधे पर सफेद वस्त्र डालकर दोनों हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों को निम्न मंत्र से आमंत्रित करना चाहिए। तर्पण मंत्र, ओम आगच्छन्तु मे पितरः एवं गृहन्तु जलांजलिम। अर्थात, हे पितृ, पधारिए तथा जलांजलि ग्रहण कीजिए। इसके उपरांत तर्पण जल अर्पित करें। शुद्ध जल में थोड़ा सा दूध, तिल तथा जावा मिलाकर जलांजलि अर्पित करें। जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार तथा दक्षिण दिशा में 14 बार अर्पित करना चाहिए।